आज हमारी परिभाषा है नाद किसे कहते हैं। नाद अर्थात ध्वनि, वाइब्रेशन इसको कहते हैं। इससे पहले हमने की थी संगीत की परिभाषा, संगीत किसे कहते हैं, और तब प्रश्न उठता है कि संगीत की उत्पत्ति कहाँ से होती है, संगीत की उत्पत्ति कैसे होती है, किससे होती है। तो संगीत की उत्पत्ति होती है नाद से, अर्थात वाइब्रेशन से, कंपन से। नाद शब्द की उत्पत्ति नय और दय इन दो शब्दों के मेल से हुई है। नय का अर्थ है नकार यानी प्राण यानी वायु, वायु से है, और दय का अर्थ है अग्नि, अर्थात दय का अर्थ है दकार यानी अग्नि या शक्ति। नाद यानी कि अग्नि और वायु के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि को, अग्नि और वायु के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि को नाद कहते। नाद संगीत का मूल आधार है। नाद की परिभाषा के विषय में कहा गया कि संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि जिसकी आंदोलन संख्या नियमित और स्थिर हो तथा जो सुनने में आकर्षण पैदा करे, आकर्षण पैदा होने के साथ साथ देर तक सुनने की इच्छा जागृत करे वह नाद कहलाती है। संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि जिसकी आंदोलन संख्या नियमित व स्थिर हो उसे नाद कहते। नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद जो नाद दो वस्तुओं के आपस में टकराने से या घर्षण या आघात द्वारा उत्पन्न होता है वह आहत नाद कहलाता। आहत का मतलब होता है चोटना, संस्कृत का शब्द है। इस नाद का प्रयोग संगीत में किया जाता है, इस जैसे ढोलक आदि वाद्यों पर आघात करने से उत्पन्न आवाज, ये तथा आहत नाद। आहत नाद के बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। आहत यानी कि चोट या आघात से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। अब समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। लिखना आपको ऐसी है, मैं पहले आपको एक फोटो भेज चुका हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से नाद की, संगीत की, उनको अच्छे से एक फेयर नोटबुक बनाएंगे उसमें लिख कर देखेंगे। आहत का मतलब होता है चोट होना, आघात होना, घर्षण के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे आहत नाद कहते। ये संगीत में तीन प्रकार उत्पन्न होती है, पहली आघात या चोट से जैसे ढोलक, तबला, नगाड़ा। दूसरा होता है वायु प्रवेश से, वायु प्रवेश से एयर प्रेशर से जो बजाया जाता है, जैसे बीन है, शहनाई है, क्लारनेट है, हारमोनियम है, बांसुरी है। और तीसरा है रगड़क या घसीट द्वारा, जैसे वायलिन, सारंग, एक तारा, जिसमें ना चोट की जाती है, ना आघात किया जाता है, ना वायु प्रवेश करवाया जाता है। रगड़क के द्वारा, घसीट के द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, सारंगी है, वायलिन है, एक तारा आदि। अगला है अनाहत नाद, देख लीजिए एक बार। जो नाद बिना किसी टकराव या घर्षण के अपने आप ही उत्पन्न हो वह अनाहत नाद कहलाता है। इस नाद को सूक्ष्म नाद भी कहते हैं या गुप्त नाद भी कहा जाता है। इस नाद का प्रयोग संगीत में नहीं किया जाता क्योंकि इस नाद का को हमने अपने कानों से नहीं सुना, नहीं सुन सकते। इस नाद को केवल अपने ज्ञान से, सूक्ष्म ज्ञान से महसूस किया जा सकता है। इस नाद का प्रयोग योगी पुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, जैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए योगी पुरुष महापुरुष करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कानों को बंद करने पर उत्पन्न साये साये की आवाज। आप ध्यान से सुनिए, आहत अनाहत नाद को अनाहत नाद भी कहते हैं, इसे स्वयंभू नाद भी कहते हैं, गुप्त नाद भी कहते हैं, सूक्ष्म नाद भी कहते हैं। यानी कि बिना चोट के, बिना आघात के, बिना घर्षण के जो ध्वनि उत्पन्न हो उसे अनाहत नाद कहते हैं, जो स्वयं उत्पन्न हो। स्वयंभू अर्थात शंभू भगवान शंकर का भी नाम है, जो अपने आप उत्पन्न हो। आप देखिए, इसका प्रयोग, इसका संबंध संगीत से नहीं होता, इसका संबंध सिर्फ ज्ञान से है। इसका प्रयोग योगी पुरुष ऋषि मुनि मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपने कान के ऊपर हाथ रखकर हल्के से उठाने पर जब साये साये की आवाज सुनाई देती है, या गिलास या कटोर रखकर हल्के से उठाते हैं तो हमें साये साये की आवाज सुनाई देती है, ये अनाहत नाद का एग्जाम्पल है।